कोरोना काल से लड़ते हुए देश का ऐसा बजट जो पहले 100 साल में कभी नहीं देखा गया, फाइनली हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो पेश कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे इस बजट में जो है आम आदमी के लिए क्या है। आम आदमी से यहाँ मेरा मतलब आम आदमी पार्टी से नहीं बल्कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो उसके लिए इस बजट में क्या है कुछ खास। कुछ हद तक तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी इस बजट में क्या है क्या नहीं है, बट हम जो आज थोड़ा डीपली बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या है इस बजट में। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट यानी कि एट ए ग्लैंस जो देखने वाली चीज़ जो इस बजट में थी वो यही कि एक ट्रेडिशनल वे की तरह किसी खाते या ब्रीफकेस में ये बजट नहीं था, बट ये बजट था एक टैबलेट में, एक टैबलेट जो कि फुली मेड इन इंडिया था और एक डिजिटल बजट था ये। तो डिजिटल बजट पर जो इस बजट में जो काफ़ी फोकस किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात, कोरोना की वजह से जो है सिर्फ भारत ही नहीं पूरे देश को जो एक क्राइसिस देखने को मिला है। इसमें बहुत से लोगों की जॉब चली गई, काम धंधे ठप हो गए। तो मे भी आप वीडियो देख रहे हैं आप में उनमें से भी जो काफ़ी हद तक जो लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अगर हमें अपनी देश की इकोनॉमी को जो पहले जैसे करना है उसे बढ़ाना है तो गवर्नमेंट को जो अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाना होगा, आम जनता को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देना होगा और उनके ऊपर जो है टैक्स का जो बर्डन है वो कम करना होगा। तो दोस्तों बेसिकली इससे होगा कि लोग ज़्यादा पैसा जो है सेव करेंगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पैसा स्पेंड भी करेंगे, और ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे तो सर्कुलेट जो है पैसा बहुत सा होगा, और पैसा जब सर्कुलेट होगा तो देश की इकोनॉमी जो है रिवाइवल होगी। तो यहीं पर जो है हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट मानते हैं कि सरकार को जो है एक्सपेंडिचर बढ़ाने होंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिली की। तो यहाँ पर सरकार से जो है एक मिडिल क्लास फैमिली को जो उम्मीद थी कि इस बार जो टैक्स स्लैब में जो कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट जो है हमेशा की तरह जो इस बार जो टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले, तो ऑब्वियसली बात है एक मिडिल क्लास फैमिली के जो निराशाजनक था। बट यहाँ पर टैक्स स्लैब चेंज ना होना भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट मानते हैं कि हर बार अगर टैक्स स्लैब चेंज होंगे तो इसे एक कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, और उससे क्या होगा कि लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक नए टैक्स स्लैब को समझने के लिए जो है कई बार वो खुद नहीं समझ पाते, तो इसके लिए उन्हें सीए वगैरह भी जो हायर करने पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का जो यहाँ पर बचाव होता है, क्योंकि एक ही चीज़ जो काफ़ी साल तक रहेगी तो हमें सीखने में आसानी हो जाएगी, तो दैट्स वाई यहाँ पर इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में कहूँ, इनकम टैक्स रेट अगर स्टेबल रहेगी तो उसे समझने में जो है आपको ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर जो है 75 ईयर्स प्लस या फिर जो है सीनियर सिटीजन को जो है आईटीआर फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है तो उन्हें टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है उन्हें जो भी इंटरेस्ट मिलता है, जो भी पेंशन मिलती है, वो ऑटोमेटिकली उनके बैंक से टैक्स डिडक्ट होने के बाद जो आपके अकाउंट में आएगी। तो यहाँ पर जो है उनका आईटीआर भरने का जनरेट जो पेपर वर्क जो यहाँ पर जो उनके ऊपर थोड़ा बहुत बर्डन कम हो जाता है, तो यहाँ पर एक बुजुर्गों को जो थोड़ा एक प्लस पॉइंट मिल रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सेस। तो इस बार जो है सरकार ने जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो इंट्रोड्यूस किया है, तो जाहिर सी बात है एक नया सेस इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका सबसे पहला और सबसे मेन असर पड़ेगा हमारे पेट्रोल और डीजल पर। पेट्रोल पर एक 2.5 का जो असर देखने को मिलेगा, वहीं पर जो है 4% का असर जो है यहाँ पर जो 4 रुपीज का असर जो है हमें डीजल पर देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर जो है सरकार ने क्लियरली कह दिया कि इसका असर जो आम जनता पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो है एक्साइज ड्यूटी को कम कर देंगे, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी कम हुई सेस बढ़ी तो लेवल बिल्कुल बराबर रहेगा। बट ये आने वाले टाइम में देखने वाली बात होती है कि एक्साइज कितना कम होता है, क्या वो स्टेबल रहता है या बढ़ता है नहीं बढ़ता है, तो यहाँ पर ये भी एक पॉइंट है। तो यहाँ पर जो है इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें जिस सेस का जो इम्पैक्ट देखने को मिला है, जैसे कि एप्पल 35%, पीज एंड काबुली चना 30%, दाल 20%, फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया अब 5% सेस उस पर जो है लगेगा, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर जो है 20% एक्स्ट्रा जो है सेस लगेगा। कुछ सेस के लिए जो आप यहाँ पर दे सकते हो कुछ इस तरह से, मोबाइल फोन पर जो है कस्टम ड्यूटी को जो बढ़ा दिया गया है 2.5 कर दिया गया है, तो मोबाइल फोन और पार्ट जो है जाहिर सी बात है कस्टम ड्यूटी बढ़ी है तो उनके महंगे होने के चांसेस भी जो है बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो है फ्रीज एसी ऑटोमोबाइल पार्ट्स इन पर भी जो है कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, तो यहाँ भी जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। सोलर इन्वर्टर पर जो है कस्टम ड्यूटी 5 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तरफ तो सरकार चाहती है कि कस्टम ड्यूटी बढ़ जाए तो इससे जो भारत जो आत्मनिर्भर बने, बट यहाँ पर जो है सोलर इन्वर्टर जैसे सिस्टम इतने बिल्ड और इतने हाईटेक नहीं हुए हैं कि उसे जो परचेज किया जाए उसको जो है असली यूज में लिया जाए। तो यहाँ पर जो है सरकार एक तरफ से जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर जो है नुकसान भी कर रही है, इससे जो है री एनर्जी यूज को जो है बढ़ावा नहीं मिलेगा जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो बात करते हैं इस बजट में सस्ता क्या हुआ, क्योंकि वो भी पॉइंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो बजट में सस्ता हुआ है दोस्तों,
नाइलॉन, आयरन, कॉपर, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, बैंक रिक्स से छुटकारा, यानी कि जो पहले बैंक रिक्स था जो 1 लाख रुपए तक था, यानी कि बैंक अगर दिवालिया हो जाता है, बैंक भाग जाता है, तो फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपके बैंक में 10 लाख रुपए पड़े हैं, बैंक दिवाली हो जाता है तो आपको जो है 1 लाख रुपए मिलेंगे। बट अब ऐसा नहीं है, आपको जो है बैंक ऐसी कंडीशन में जो आपको 5 लाख रुपए देगा और इस बार जो है कोई ज्यादा झंझट या पेपर वर्क नहीं होगा, ये काफी आसानी से आपको जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो एक मिस अपॉर्चुनिटी मुझे लगी, यहाँ पर क्या सरकार ने मिस किया, तो ये दोस्तों यहाँ पर जो सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के लेकर जो कोई बात नहीं करी, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो काफी बढ़ रही है हमारे देश में, तो सरकार चाहती तो उस पर जो है रोक तो नहीं लगा सकी, बट उस पर जो है टैक्स वसूल करके जो है 15-20% टैक्स वसूल करके जो है अपनी देश की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत बढ़ावा मिल सकता था इससे। तो यहाँ पर मैं आई थिंक इस अपॉर्चुनिटी को जो है मिस किया है सरकार ने। और दूसरी बात है, जो पैसा स्कूल और एजुकेशन के लिए जो है अलोकेट होता है, उसमें जो है इस बार 8% की जो कमी कर दी गई है। न्यू एजुकेशन सिस्टम जो पहले जो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, बट वो इतना डेवलप नहीं हुआ कि हमारा देश अभी तक जो है उसके लिए इतना पूरी तरह से तैयार नहीं है। बट ये देखने वाली बात होती है कि आगे जो है एजुकेशन सिस्टम का हमारे देश में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक उसी तरह जो मनरेगा का जो है अलोकेशन भी जो है 35% जो कम कर दिया गया है। तो मनरेगा बेसिकली क्या है, मनरेगा जो है आपको 100 डेज का यानी 100 दिन का जो है काम देने की पूरी गारंटी लेता है। और जो है लोगों को उम्मीद थी कि इस बार मनरेगा को जो है 100 दिन बढ़ाकर जो है 150 दिन कर दिए जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ मनरेगा में इस बार। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्शन की। तो यहाँ पर जो है सरकार का कहना है कि उन्होंने जो हेल्थ केयर सिस्टम जो है हेल्थ केयर के बजट जो है डबल कर दिया, यानी कि इस बार 2.33 लाख रुपए जो कर दिए, जिसमें इसमें से जो है 35,000 लाख रुपए जो है वो कोविड वैक्सीन के लिए जो रखे गए हैं। उसके बाद एक इस बार एक नई योजना लॉन्च की गई है, पीएम स्वस्थ भारत योजना। इसमें 64,180 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे बट 6 सालों में। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना, 6 सालों में। ये 64,180 करोड़ रुपए सिर्फ 1 साल का बजट नहीं है, ये जो है 6 सालों में से जो है सेपरेट किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फार्मर को लेकर जो है काफी बात करने वाली बात थी इस बिल में, बजट में, बट जो इसमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पर सरकार ने कहा है कि एमएसपी जो है अश्योर रहेगी 1.5 टाइम्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एमएसपी बिल्कुल अश्योर है, उन्होंने साफ कह दिया कि उन्होंने एमएसपी को नहीं हटाया, चाहे विपक्ष पार्टी किसी भी तरह की कोई भी बात करती हो। तो इसके अलावा जो यहाँ पर जो है और भी फार्मर के लिए कुछ था, बट यहाँ पर जो कोई ज्यादा देखने को नहीं मिला फार्मर्स के लिए। बट मुझे नहीं लगता एमएसपी का फायदा कुछ होने वाला है, क्योंकि एमएसपी सिर्फ नाम की है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं देश के सिर्फ 6% किसान ही जो है एमएसपी का पूरा फायदा उठा पाते हैं, बाकी इसका फायदा नहीं उठा पाते। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्कर्स। इस बार के बजट में जो गिग वर्कर को जो काफी ध्यान रखा गया है, तो मैं आपको बता दूं कि गिग वर्कर होते क्या है। गिग वर्कर जैसे कि जो ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, जो इन पर जो काम करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है, कमीशन बेस्ड काम करते हैं, यानी कि एक डिलीवरी करी उस डिलीवरी जो इन्हें पर्टिकुलर जो है कमीशन दे दिया जाता है, तो इनकी जॉब जो पूरी तरह जो सुरक्षित नहीं होती। तो सरकार जो इनके लिए जो एक पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसमें जो इनके हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग स्कीम, क्रेडिट स्कीम, फूड स्कीम और साथ ही जो है वन नेशन वन कार्ड, तो इन्हें ये फायदे जो है उन पोर्टल में जो है मिलने वाले हैं। तो ये काफी अच्छी बात है गिग वर्कर के लिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट बिजनेस में। देखिए दोस्तों, पहले क्या था कि अगर आपका बिजनेस 5 करोड़ है, 5 करोड़ से नीचे का है एनुअल टर्नओवर आपका, तो आपको जो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट अब जो है इसे बढ़ाकर जो है 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10 करोड़ की कैटेगरी में आते हो तो आपको सीए के झंझट वगैरह, ऑडिट वगैरह से जो आप छुटकारा मिल जाएगा। और उसके बाद जो है इस बजट में स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन भी थोड़ी चेंज हुई, यानी कि अब जो है पहले 2 करोड़ तक की बिजनेस को, यानी कि साल का टर्नओवर, उसे जो है स्मॉल बिजनेस में रखा जाता, बट अब जो है इसे बढ़ाकर जो 20 करोड़ रुपये कर दिया गया। नेक्स्ट है प्राइवेटलाइजेशन। प्राइवेटलाइजेशन को लेकर जो है लोगों के मन में जो स्टार्टिंग से जो है एक बीजेपी के राज में ये असमंजस रहा है कि क्या प्राइवेटलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है इस बजट में साफ बोल दिया गया है कि प्राइवेटलाइजेशन होगा। जो कंपनी जो है देश को फायदा नहीं दे रही है, सरकारी कंपनी, तो उनका प्राइवेटलाइजेशन जो है पॉसिबल है। जैसे कि इस बार जो LIC जो है इनकी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट देती है, तो इसका IPO लॉन्च किया जाएगा इस साल के एंड तक। और उसके साथ ही प्राइवेटलाइजेशन का जो एक उदाहरण दिया जाए एयर इंडिया, जिसे जो 3 सालों से सरकार जो है बेचने की कोशिश कर रही है, बट अभी तक जो है कंपनी बिक नहीं रही है। तो प्राइवेटलाइजेशन को लेकर हम जो है किसी और दिन बात करेंगे पूरी तरह से इस पर। इसके साथ ही जो है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया गया है फॉर प्रमोटिंग द हाइड्रोजन पावर। और इसके साथ ही जो है जम्मू कश्मीर में जो है गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी, लेह में जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी, 1 करोड़ लोगों को जो उज्ज्वल स्कीम में जो है और शामिल किया जाएगा, उनका इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये थे बजट के कुछ पॉइंट 2021। तो दोस्तों आप इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं, बिकॉज योर ओपिनियन इज मैटर फॉर अस। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही जो है इस वीडियो को लाइक करें,
और जो है अपने ओपिनियन और अपने कमेंट जरूर रखें। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद चाहिए।